शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब कानपुर की सेवा कैसे हुई है तो हुआ सेवा का विस्तार। जब पहले शुरू में कराची से माउंट आबू आए सन 50 में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अधिकारी लोग जाते थे कभी कभी जंगल में, कौन जाएगा, तो देखते थे यहाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, तो बाबा से कहते थे कि इतना अच्छा आपका ज्ञान, यहाँ सब बैठे हैं, ये तो आपको जहाँ शहर है वहाँ सुनाना चाहिए, तो जंगल में आप बैठे हुए ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो सब बाबा के आगे गंगे दादी और मनोहर दादी। बाबा ने बहुत बल भरा और कहा जाना है, तो कहती दादी सुनाती, हम रोते थे कि दुनिया छोड़ के आपके पास आए और आप हमको अपने यहाँ से निकाल रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे। तो बाबा ने कहा आप दुनिया का कल्याण करने जाना है, दुनिया छोड़ के आए, आपका कल्याण हुआ, अब आपको दुनिया का कल्याण करना है, पतित पावनी गंगा बन के सबका उद्धार करना है, तो कहाँ जाए। तो बाबा ने कहा भारत की राजधानी दिल्ली है, सबसे पहले जाओ लाल किला पे झंडा गाड़ के आओ। अब झंडा तो गाड़ के आए, दोनों को गाड़ी में बिठा दिया गया आबू रोड से, और जब दिल्ली उतरे पूछ रही कहाँ जाएं। यज्ञ में 14 साल रहे, 3 साल माउंट पे रहे, 50 कुछ पता ही नहीं, उसके बाद 54 में निकले हैं 53 में। तो किसी ने कहा यहाँ पे ना, बात किया बताया सारा, पुजारी ने एक कमरा दे दिया रहो, तब पैसा नहीं लगता था, किराए पे दे, धर्मशाला आदि सब फ्री मिलती थी, नामी है धर्मशाला, वो नहीं था व्यापार शाला, कोई पैसा नहीं लेते थे। अब खाएंगी कहाँ से, ये तो है नहीं, अब तो माताओं को आबू जाना तो 4 दिन से लड्डू मठरी माताएं बनाती हैं और ट्रेन में भर भर के खाती हैं, तो ले जाएंगी क्या करें, तो लड्डू मठरी बनाया नहीं दीदी, आबू जाना है ना। और दादियों को यूं ही विदा कर दिया बाबा ने, बेगरी पहाड़ था बिना टिकट, हम तो बेहद की सेवा में जा रहे हैं, टीटी उतारे तो हम तो नहीं उतरेंगे, सुना हम नहीं और बैठेंगे कहाँ फर्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें ना सिगरेट पीने वाले बैठे हमको बदबू आती है। अरे देवी जी ऐसे कैसे हो, कैसे ऐसे ऐसे हमारा प्रबंध करो, हम कुछ नहीं जानते, वो कर भी देते थे, आज तो कोई करा ले, जरा सा आधार कार्ड से वो हमारा टिकट लिंक नहीं करा तो भी पेनाल्टी डाल देंगे। तो वहाँ गए मंदिर में, पुजारी ने कहा भोजन, आपको चूल्हा देंगे, लकड़ के चूल्हे होते थे तब, अब 12 बजे तक पेट दबाई बैठी हैं। और बाबा वहां से कहे बच्ची जाओ सरकार को जगाओ, गवर्नमेंट को जगाओ, पैसा एक नहीं, धन नहीं, सवारी नहीं, अब तो बिना कार के हम श्याम नगर तक भी नहीं आएंगे, कैसे जाएं, कुछ मिल ही नहीं रहा, अब पैदल दोनों जाएं पेट दबा के। पूछते पूछते कहाँ रहते जवाहरलाल नेहरू, सीधा प्रधानमंत्री जगह या देश जाग जाएगा। अब सड़क के किनारे किसी ने लिफ्ट दिया तो दिया, जहाँ तक उसका रास्ता नहीं उतार दिया कार से, भेंजिए उतर लो, अब पैदल। तो दादी कहे जब कस के भूख लगे चला ना जाए तो क्या करें, हम और मनोहर पेट दबा के सड़क के किनारे थोड़ी देर बैठ लें। भुना हुआ चना लेके खा ले, अब वो गले में फंस रहा, आप क्या करें, नल भी कोई नलका नहीं है, पाइप नहीं, तो गंडेरी लेके चूस दें, वो गले से चने का बेसन नीचे चला जाए सतुआ। वहाँ पहुँचे उनको जाके ज्ञान देना है, आज तो प्रधानमंत्री कोई अपॉइंटमेंट लिया क्या, कल आना, आज तो उनके अपॉइंटमेंट लेने गई हैं, और जब टाइम दे तो मिलने जाना है। और उसके पीछे क्या हुआ, एक दिन बाबा ने मुरली चलाई कि जो रामायण है वो नॉवेल है, अरे बाबा ने बच्चों के आगे बोला
मनोहर दादी ने मंदिर में भाषण कर दिया। अरे अब आप क्या होगा, वो पुजारी तो पहले ही खार खाए बैठा था। एक आया कहता पता है कि उन्होंने रामायण को नाबिल बताया। देखो देखो कल्प वृक्ष में इनके वो बैठा हुआ है कौन, क्राइस्ट। तब नंस बहुत घूमती थी सफेद कपड़े में, ईसाई बनाती थी सबको। तुमको पता है ये ईसाई हैं, ये सनातन धर्म का नाम लेके सबको कन्वर्ट कर रही हैं। इनको निकालो यहाँ से। कहती जब वहाँ से लौट के आए 12 बजे की चूल्हा मिलेगा, दो टिक्कर बनाएंगे तब खाएंगे। पुजारी तैयार बेटा, कहता उठाओ झोला। विचार करो दादियों का त्याग। सालम दरवाजा नहीं था, क्योंकि दरवाजा नहीं लगाएंगे। कभी भी कोई भी मुसाफिर का किसी से नियत खराब हो जाए तो बिना दरवाजे का रहेगा। कि हमारे पास सब आते हैं ठहरने, लेडीज जेंट्स। और बाहर एक पागल, वो रात भर बड़बड़ाए। अब क्या करें, लैट्रिन बाथरूम धर्मशाला के थोड़ा बाहर निकल के, रात बड़ा मुश्किल कटे। और कहें जब सोए तो जाला इतना था पुरानी धर्मशाला कि ऊपर से रूहा गिरता था काला काला, कपड़ा काला और मुँह काला। दरवाजा पानी भी ढंग का नहीं, हम अंधेरे में नहा लें और वही कपड़ा धो लें। तो धोती का एक किनारा वो पकड़े, को हिला हिला के सुखा के फोल्ड करके ले आए। अब धर्मशाला हम किसको ज्ञान सुनाए, मंदिर में आरती होती थी, भक्त आते थे, अब वहाँ किसको सुनाए। तो वहीं बैठ जाती थी घाट पे कपड़ा सुखाए के, तो जो गाता था जमुना जी नहाने उसको पकड़ के ज्ञान सुनाती थी। सुनते 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 अब वहाँ रहते ना खाना ना पानी ना कोई चीज़ ना साधन, तो कोई एक कटोरी आटा दे दे, कोई कुछ दे दे, उसी से रोटी बन के खा ले। पर बाबा भी देखता है, परीक्षा लेता है। फिर एक भक्त निकला, उसने 5 किलो चीनी, तब तक नवरात्रि आ गई, वो सुनते सुनते 5 किलो चीनी, 5 किलो सूजी और 5 किलो देसी घी लाया। देवी जी 9 दिन आप लोग यही हलवा बना के खाना। अब वो भी गले न उतरे, क्यों, अब मधुबन याद आ रहा है। सुना, यहाँ तो कहेंगे पहले हम अपना सेंटर सजाएं, मधुबन बचेगा तब देंगे। मधुबन को बाद में, पहले नहीं निकालते हैं। जब बचत होगी तो मधुबन देंगे। लेकिन दादियों का मधुबन से प्यार, बाबा से प्यार, घर से प्यार, तो क्या किया, अब उसको जाए मधुबन पहुँचाए आए। तो तब तो बड़ी सस्ती टिकट होती थी, ना भी टिकट है तो बिना चले गए पहुँचाए आए। तो बाबा ने उसी में से थोड़ा दिया, नहीं खाओ तुम लोग। मनोहर दादी को तो स्किन एलर्जी हो गई, सूख गया था चमड़ी, सूख गई थी। तो बाबा ने कहा नहीं ले जाओ। ये दादियों का त्याग कौन सी बहन आज कर सकती है। पहले कहेंगे घर तो सजा लें, पर्दे तो बना लें, ये तो कर लें, नहीं, पहले दादियां बाबा को। मधुबन में हमारे भाई बहन बैठे हैं तो घर याद आता था। साबुन मिले तो आधे में काम करो, कोई रिक्शे का पैसा दे तो आधा पैसा बचाओ, ये यज्ञ में भेज दो। हम तो पैदल भी चल लेंगे, पहले यज्ञ। तो वहाँ पर दिल्ली में कोई मिल गया जिसने कहा इलाहाबाद में कुंभ मेला हो रहा 1954 में, वहाँ सभी संत आएंगे, तो आप लोग वहाँ जाओ और बहुत अच्छी सेवा होगी, बहुत अच्छा प्रचार होगा। अब चले तो गए, अब मनोहर दादी के साथ फिर नहीं, फिर गई बड़ी दीदी। कुंभ मेला की हालत देख के तो इनके हस्ती खत्म, छक्के छूट गए। ये झोपड़ी, ये पूछ, ये तिरपाल तुम्हारे बस का नहीं है, कभी रेत ने किया ही। हम ये नहीं कर पाएंगे, फूस की झोपड़ी बनाना हमारे बस का नहीं है। तो उसने 7 दिन में 17 लेक्चर करवाए स्कूल कॉलेजों में,
और एक कॉलेज में एक लड़की निकल आई। तो उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी हमारे स्कूल में देवियां आई हैं, आप चलो मिल लो। तो कौन बताया। तो जब वो मिलने गए तो उन्होंने भी यही प्रस्ताव, इतना अच्छा ज्ञान है, बड़े संत आए हुए देश के। फिर वही दादी का जवाब, बोले आपको पता है मैं नगर मजिस्ट्रेट हूँ और मेला मजिस्ट्रेट हूँ, आप मेरी जीप में बैठेंगी चलेंगी, केवल आप चल के देखो। तो जब वहाँ गई दादी दोनों तो कहा मेरा कॉटेज देख लो, उसमें तो सारी सुविधा। कहा देखो मुझे तो अपना काम करना है, मैं तो टेबल कुर्सी बाहर डाल लूँगा धूप में, सारा कॉटेज आपका। तो सुना बाबा कैसे सेवा कराता है, क्योंकि भगवान की सेवा है। तो चलो उसने अपना कॉटेज तो दे दिया, वीआईपी कॉटेज जिसमें सोफा भी है, कुर्सी भी है, किचन भी है, बाथरूम भी है, सब साधन है, नल भी लगा हुआ है। खाएंगे क्या, मजिस्ट्रेट खाना तो नहीं देगा, कहाँ से खाएंगे। तो अब जिन्होंने निमंत्रण दिया वो थोड़ा दे देते थे, तो दिन भर तो ये ज्ञान सुनाए। अब सुनाएं क्या, पहले तो योद्धा को चाहिए हथियार, और बाबा के बच्चों का हथियार है क्या, लिटरेचर, चित्र। जिस महात्मा के कैंप में जाएंगे क्या दिखाएंगे, और हर एक पर्चा मांगेगा आपका उद्देश्य क्या है। फिर शहर पैदल जाती थी, वहाँ से कुंभ मेला से सिटी में पैदल, और क्या करती थी, आधा दिन कागज मांगती थी। तो कोई एक रिम कागज देता था, आज हमारे सुनील भाई पैसे पिलाते हैं, कोई दो रिम कागज देता था। अब जाती थी प्रेस वाले के पास, फिर बाबा ने आनंद किशोर दादा को भेजा, क्योंकि मैटर कौन बनाए, भाइयों को तो कोई कागज देगा नहीं, वो केवल मैटर बनाते थे, साथ में होते थे। फिर वो जाके प्रेस वालों को कहती थी हमारी छपाई फ्री में कर दो, तो फ्री में कागज और फ्री में छपाई। जब छप जाता था तो सारे कैंपों में जाते थे ज्ञान सुनाने, एक एक कैंप में पर्चा देने। अब भूख तो लगेगी, तो कहती शर्म भी लगती थी, देह अभिमान भी आता था कि यहाँ बड़े बड़े संतों को ज्ञान सुना के लौटे हैं और मजिस्ट्रेट के बंगले में उसमें कॉटेज में रह रहे हैं, और दुई आना की आलू खरीद रही बहन जी, दुई आना का आटा खरीद रही है, और एक आने का कंडा खरीद रही हैं। कुंभ मेले में मिल जाता है सब कंडा वगैरह। तो वो छिपा के झोले में कोई देखे, फिर झोला लेके आ रही हैं, तो वही वो अपना कह खिचड़ी बना शाम को, उसमें एक चम्मच बेसन डाल के कढ़ी पका लेते थे बाड़ में, और वही रोटी में कढ़ी रोटी खा लेते थे। सुना मेला की इतनी सेवा की। सेक्शन उसके डायरेक्टर थे निगम, पता नहीं सतीश नाम था क्या, मुझे याद नहीं, मना निगम थे। तो निगम जी ने कहा आपके कॉटेज में कौन फैमिली रही पड़ी है, तो बताया, बुलवाया बुलवाया, ज्ञान सुनवाया। बोले अच्छा, तो आप जब आबू जाएं तो कानपुर में रुक के जाना, हम भी सबको ज्ञान सुनवाएंगे। ठीक है, तय हो गया। टेलीग्राम चलता था, तार की जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, निगम जी किसी के पास गए थे और कहा हमारे यहाँ देवियाँ आ रही हैं, हमको कार की जरूरत है, उनको रिसीव करना है। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है, क्योंकि तब ऑफिसों में एक कार होती थी, सब अधिकारियों को ले आता था एक ड्राइवर बारी बारी, सब अधिकारी को गाड़ी नहीं मिलती थी, एम्बेसडर गाड़ी होती थी। पर चुन्नीगंज में एक विवेक टॉकीज है, उस टॉकीज के मालिक बहुत सात्विक थे,
और विवेक टाकी जिसलिए नाम रखा था कि यहाँ से लोग नसीहत लेके जाएंगे, कुछ सीखेंगे, विवेक जागृत होगा, तब पिक्चर भी ऐसे अच्छी होती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सिंध की बहनें हैं, कहाँ की हैं? तो स्वाभाविक है हमारे देश की हैं, तो आकर्षण तो होती है, प्यार भी होता है। बोले मेरे पास तो गाड़ी है, मैं चलूँगा खुद लेने के लिए। जब वो लेने गए और दादी को निगम, दादी ने निगम साहब को बोल दिया था हम किसी घर में नहीं रहेंगे, आर्यनगर की धर्मशाला बन के तैयार हो गई थी। तो दादी ने, तो उन्होंने धर्मशाला एक कमरा बुक किया था। जब बीरूमल जी लेकर के गए तो दादी ने कहा हम तो धर्मशाला में उतारेंगे नहीं, हम अपने यहाँ की देवियों को धर्मशाला में रखें, हम यहाँ महलों में रह रहे हैं पाकिस्तान से आके। तो दादी ने वही फिर कहा हम नहीं रहेंगे। कहा नहीं, मेरा एक बेटा अमेरिका में है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए एक सूट बना के रखा है और किसी ने प्रवेश नहीं किया है, आप चल के वहाँ रहिए। तो बीरूमल जी धर्मशाला में नहीं उतारे, तो वो ले गए अपने घर और वहाँ रखा। अब बीरूमल के जो परिचित दायरे के हैं उनको ज्ञान सुनवाना शुरू किया। इसलिए कह रहे हैं कि बाबा कहता जैसी हस्ती होती है ना वैसे उसके संपर्क और प्रभाव होते हैं। तो उसी में उनका जो बीरूमल का इंश्योरेंस का काम होता था, तो गुप्ता भाई साहब इंश्योरेंस रूबी इंश्योरेंस कंपनी थी, उसके मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा जी हमारे घर में देवियाँ आई हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, आप सुनिए। और भाई साहब अपने ज़माने के बड़े, पुरानी भाषा में कहा जाए रंगीन तबीयत के थे, ज्ञान ध्यान से नहीं बड़े शौक शौकीन। जिसका भाई कलेक्टर हो जयपुर में तो आप समझो वो कितने शौकीन होंगे पढ़े लिखे, अब खुद मैनेजर हैं। के कहने से गए और जिस दिन से गए उस दिन से नागा नहीं किया, पक्के बाबा के बच्चे पहले दिन बन गए। तो बिठूर में है ना कि जो ब्रह्मा ने तपस्या किया तो रूप सतरूपा और मनु निकले, तो पहला निकले। फिर उनके साथी वो माता जी तिलक नगर की बाबू जी, तो चाह सबने ज्ञान सुना, तो बीच में एक कड़ी रह गई। तो जब ये पहुंची हैं दादी, तो दिल्ली से चलते समय देखो बाबा का कैसा वंडरफुल ड्रामा है, किसी भाई ने इनको एक पत्र दिया था कि आप इलाहाबाद जा रही हैं, अगर आपको कानपुर, अगर लगाया है कानपुर जाना पड़ जाए तो आप ये मेरा पत्र देंगी तो मेरा दोस्त वहाँ रहता है, आपकी सब सुविधा कर देगा। तो दादी ने पत्र निकाल के दिया बीरूमल को, कहा इनसे आपकी पहचान हो, हमारी मुलाकात करा देना, इनका पता बता दीजिए। पत्र की एड्रेस देखे बहुत ज़ोर से हंसे, बोले क्यों आप हंस क्यों रहे, काम मैं हूँ। इसलिए आप देखेंगे दादी जानकी हर बात में कहती वंडरफुल, उनके हर सेंटेंस में क्या आता है ये वंडरफुल है।